ऑन अ स्केल कॉल रिक्टर स्केल सो जो अर्थक्वेक कितना पावरफुल है उसको हम नापते हैं स्केल के ऊपर जिसका नाम है रिक्टर uh, स्केल जिसके ऊपर वैल्यू होती है एक से लेके दस तक फाइव सिक्स सेवन एंड एट नाइन टेन और जो डैमेज होता है जनरली ज्यादा से ज्यादा डैमेज जो कोज होता है वो जो सेवन से आगे वाले जो अर्थक्वेक्स आपके होते हैं अगर रिक्टर स्केल पे वैल्यू आ रही है अर्थक्वेक की सेवन या एट आ रही नाइन आ रही है या 10 आ रही है तो सबसे ज़्यादा डैमेज करता है ओके आर अर्थक्स ट्रिमर्स यानी स्मॉल वाइब्रेशन होते हैं जो जिसकी रिक्टर स्केल पे वैल्यू वन होती है टू होती है थ्री फोर uh, और फाइव सिक्स तक ज़्यादा डैमेज अर्थक्वेक कोज नहीं करता है तो मैग्नीट्यूड इज हाउ पावरफुल यो अर्थक्वेक एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है अर्थक्वेक से ओके तो मैग्नीट्यूड डिनोट्स टू द एनर्जी एंड उस मैग्नीट्यूड को हम जिस स्केल के ऊपर मेजर करते हैं दैट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल मूविंग ऑन अस सी व्हाट इज सिस्मोग्राफ

जब ये वाइब्रेट होना शुरू होता है तो वेन यू सी दिस वन इस वाले डायग्राम में अगर आप देखते हो तो जब यहाँ से वाइब्रेशन आएंगी ये पेंडुलम स्टार्ट दिस इज पेंडुलम बॉब यानी ये जो सर्कल स्पीअर है पेंडुलम का दिस इज कॉल्ड पेंडुलम बॉब और जिस स्ट्रिंग यानी ये जो रॉड है जिस धागे से ये ऊपर से कनेक्टेड है पेंडुलम बॉब को जो ये स्टैंड से कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग तो Uh, इसके पेंडुलम बोब के नीचे आपको इधर पेन देखने को मिलेगा जब अर्थक्विक uh, के वाइब्रेशन स्टैंड से टकराएंगे और ये साथ में वाइब्रेट होगा तो ये सिलेंडर दिस विल स्टार्ट मूविंग दिस स्ट्रक्चर विल स्टार्ट मूविंग और ऐसे ये रोल रोल घूमता गुम, जाएगा और ये जो आपका अ uh, पेंडुलम है जो बिल्कुल सिस्मिक वेव्स की तरह वाइब्रेट कर रहा है तो इससे पेन के ऊपर से ये इसके ऊपर ड्रॉ कर देता है जैसे आपको ये दिख, दिखाई दे रहे जैसे चार्ट पेपर इसके ऊपर हम लगा देते हैं इधर चार्ट पेपर और जब ये वाइब्रेशन करता है तो पेन की हेल्प से ये सिस्मिक वेव इसके ऊपर ड्रो हो जाती हैं जैसे कि आपके जो अर्थ का जैसे कि अर्थ के इंटीरियर में वेव्स आ रही होती हैं वही जो आपकी वेव्स होती हैं वो इस चार्ट पेपर के ऊपर रिकॉर्ड हो जाते हैं सो दिस इज सिस्मोग्राफ

फोर मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आ रहा है और सिक्स मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आ रहा है क्योंकि हम रिक्टर स्केल की बात कर रहे हैं तो रिक्टर स्केल पे वैल्यू जो होती है वो मैग्नीट्यूड के हिसाब से होती है तो जब फोर मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है और सिक्स मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है हम क्या सोचेंगे कि इसमें जी जो फोर सिक्स है दैट इज सिक्स जो है वो टू टाइम्स स्ट्रोंगर होगा फोर से पर ऐसा नहीं होता है टू टाइम्स स्ट्रोंगर ना होके इट इज हंड्रेड थाउजेंड टाइम्स स्ट्रोंगर ठीक है सिर्फ जो मैग्नीट्यूड स्केल जो ये रिक्टर स्केल होता है उसमें दो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है थाउजेंड टाइम्स मतलब जो सिक्स मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा वो थाउजेंड टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा फोर मैग्नीट्यूड वाले अर्थक्वेक से दैट दैट इज व्हाट इज मीन बाय द स्टेटमेंट ओके अभी हम देखते हैं मरकैली स्केल और इंटेंसिटी स्केल क्या होता है देखो हमने रिक्टर स्केल पे वैल्यू जो वो करी हमने मेजर uh, करी वो मैग्नीट्यूड की करी अभी हम करेंगे इंटेंसिटी की इंटेंसिटी यानी जितना इंटेंस हमें फील हुआ जैसे ह्यूमन जो होते हैं ह्यूमंस को कितना फील हुआ वो ठीक है तो उस हिसाब से आपकी इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है इंटेंसिटी स्केल की इसीलिए हम कहते हैं इट इज सब्जेक्टिव इंटेंसिटी स्केल जो है वो सब्जेक्टिव होता है सब्जेक्टिव मतलब जो वेरी करे पर्सन टू पर्सन इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यू लिव इन डेली एंड वन ऑफ योर फ्रेंड लिव्स इन गुरुग्राम तो आप अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछोगे तो वो कहेगा कि आ, हमारे यहाँ इतना ज्यादा तेज नहीं था भूकंप बल्कि जो आपको खुद को फील हुआ वो ज्यादा इंटेंस फील हुआ तो दिस जो आपको फील हुआ उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी स्केल जिस स्केल पर आप मेजर कर रहे हो तो इंटेंसिटी स्केल ऐसे हम ड्रॉ करते हैं इट इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन ऑब्जर्वेशन जैसे कि वेरी लो फिर आता है लो इस पे भी वैल्यू वन टू टेन ही होती है फिर लो फिर जैसे इधर मीडियम लिख दो फिर इधर लिख दो स्लाइटली हाई ठीक है सो so, ऐसे जो वैल्यूज चेंज होती रहती है उसको हम कहते हैं मरकाली स्केल इसको हम एग्जाम एक एग्जाम्पल से समझेंगे फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका बल्ब है दिस बल्ब इज फोकस दस बल्ब फोकस और जिस जितने जितने पावर का का ये है जितने का है यानी वॉट्स फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑफ हंड्रेड वॉट्स इसकी पावर इसका क्या है मैग्नीट्यूड दिस बल्ब इज फोकस ऑफ अर्थक्वेक एंड दिस पावर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक और जब हम इस आ, को ऑन करते हैं इस प्लग को ऑन करते हैं तो इसकी रोशनी कहीं जाती कहीं ज्यादा जाती कहीं कम जा रही है तो इसकी रोशनी जहाँ ज्यादा जा रही है फॉर एग्जाम्पल इस एरिया को ये ज्यादा कवर कर रहा है ना दिस एरिया इज कवर्ड तो इसकी इस एरिया की इंटेंसिटी जो है वो ऑब्वियसली हाई हो जाएगी पर इधर जो आपको अंधेरा दिख रहा है इस एरिया के लिए इसकी इंटेंसिटी लो है इस एरिया के लिए इसकी इंटेंसिटी लो है यहाँ पर मीडियम इंटेंसिटी है और इधर आके आपकी इंटेंसिटी फिर से लो हो जाती है सो दैट इज वट मेंट बाय मैग्नीट्यूड और आपका इंटेंसिटी स्केल यानी इसके जो पावर है जो अर्थक्वेक की एनर्जी है वो मेजर करता है रिक्टर स्केल और इसका जो इंटेंसिटी है वो किस स्केल पर पर हम मेजर करते हैं मरकैली स्केल या फिर इंटेंसिटी स्केल ओके? ये सब्जेक्टिव है ये एरिया टू एरिया अपनी वेरी कर सकती है इंटेंसिटी की वैल्यू क्योंकि अर्थ uh, क्योंकि हर जगह एक जैसा नहीं आता है पर मैग्नीट्यूड जो है वो हम हर जगह सेम ही रहेगा हम ये नहीं कह सकते ना फॉर एग्जांपल इस कोने में मैं खड़ी होकर ये नहीं कह सकती ना कि मुझे तो ये ये जो बल्ब है ये नाइनटी वॉट्स का लग रहा है और ये नाइन्टी वोट्स का हो जाएगा इधर कोई खड़ा है ये नहीं कह सकता मुझे सिक्सटी वोट्स का लग रहा है ये सिक्सटी वोट्स का हो जाएगा ये बल्ब तो हंड्रेड वोट्स का ही रहेगा बट इज

बल्ब का अगर पावर हाई है तो ये ज्यादा ज्यादा लाइट देगा और इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी राइट right? तो अगर मैग्नीट्यूड हाई होता है फॉर एग्जाम्पल अगर एट मैग्नीट्यूड का आपका अर्थ आ रहा है तो फील भी तो ज्यादा ही होगा ना तो जो आपका इंटेंसिटी स्केल है उस पर भी तो वो वेरी हाई वाला हम रिकॉर्डिंग देंगे ना ये बहुत तेज वाला भूकंप था सेकंड इज डिस्टेंस फ्रॉम हाईपो सेंटर ये भी डिपेंड करता है कि आपका फोकस जो है वो क्रस्ट जो आपका फोकस है वो कितनी दूर है आपसे अर्थ के क्रस्ट से कितनी दूर या सरफेस से कितनी दूर है आपका हाइपो सेंटर दैट इज फोकस और तीसरा है बेड रॉक एंड सॉइल सॉइल और जो बेड रॉक यानी जो रॉक्स होते हैं धरती के नीचे उनकी भी मटेरियल uh, पे डिपेंड करता है फॉर एग्जांपल अगर वहां पे कुछ ज्यादा ही यू uh, नो you know, क्या कहूँ ज्यादा ही जैसे एक तो सॉलिड है और एक सेमी सॉलिड है तो सेमी सॉलिड जो जगह होगी जहाँ पे रॉक्स कमजोर होती हैं सॉइल थोड़ी सी ढीली ढीली होती है तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वहाँ ज्यादा फील होता है अर्थक्वेक एज कम्पेयर टू बिल्कुल जो सॉलिड वाला आपका एरिया है जब सॉलिड वाला अर्थ का सरफे सॉरी अर्थ का क्रस्ट है वहाँ पे अब देखते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक क्या होते हैं तो अर्थक्वेक से क्या हो सकता है ग्राउंड शेकिंग ओबियसली और उसके बाद डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट लैंड एंड मर्ड स्लाइड हो सकते हैं सॉलिड लिक्विफिकेशन हो सकता है ग्राउंड लॉर्चरिंग हो सकता है एवेलेंस हो सकते हैं ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट हो सकता है फ्लड हो सकते हैं फायर हो सकते हैं स्ट्रक्चर जो है आपकी कोलैप्स हो जाती हैं ऑब्जेक्ट्स गिर जाते हैं सुनामी हो जाती है एवेलेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एवेलेंस क्या होता है जब बड़े बड़े आपका जो बर्फ के टुकड़े हैं वो पहाड़ों से नीचे गिरने लगते हैं ग्राउंड जो है वो शेक करने लगता है कांपने लगता है लैंडस्लाइड होने लगते हैं सॉरी मैंने सॉलिड बोल दिया लिक्विफिकेशन होने लगता है सो so, डिस्टर्ब हो जाता है बिल्कुल सब और सुनामी का मुझे बताना तो सुनामी क्या होता है अगर आपको समुद्र में यू आर इन ओशियन ओशन के फ्लोर के नीचे जब अर्थक्वेक आता है अर्थक्वेक की वजह से जब लहरें उठने लगती हैं तो उसको हम कहते हैं सुनामी ओके okay? तो ओशन फ्लोर के नीचे जब भी अर्थक्वेक आएगा अर्थक्वेक के वजह से आपकी लहरें बड़ी बड़ी हो जाती हैं उसको हम कहते हैं उस को हम कहते हैं सुनामी ओके मूविंग ऑन अर्थक्वेक जो है वो एट प्लस मैग्नीट्यूड वाले जो अर्थक्वेक होते हैं वो ज्यादा कॉमन नहीं होते जनरली हमें थोड़े थोड़े से लाइक uh, like, जो स्मॉल टीमर्स होते हैं वो तो आ सकते हैं पर जो जो आठ प्लस मैग्नीट्यूड वाले जो अर्थक्वेक होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं और क्या है कि ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि दुनिया के हर कोने में भूकंप आ सकता है कुछ एरियाज ही ऐसे हैं जहाँ पे भूकंप आते हैं अभी हम देखते हैं सम मेजर अर्थक्वेक्स कुछ भूकंपीय घटनाएं हम देखेंगे जो हमें चौंका देंगी हैरान कर देंगी सो फर्स्ट वन इज़ ग्रेट लिप्सन अर्थक्वेक जो आया था वन नवम्बर सेवनटीन फिफ्टी फाइव को इट ऑरिजिनेटेड इन ओशन फ्लोर ऑफ एटलांटिक वेस्ट ऑफ लिस्बन, जहाँ पे वेव जो आपकी थी वो पैंतीस फुट ऊपर तक उठी थी इसने हज़ार लोगों तक हजारों में जो लोग हैं उनको डुबा दिया था बिल्डिंग्स कोलेप्स हो गए थे साठ हजार से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक जो आपका लिस्बन लिस्बन ये जो प्लेस है यहाँ इसके फोर हंड्रेड माइल्स तक के रेडियस में और ये जो आपका अर्थक्वेक है ये फील हुआ था फोर हंड्रेड चार हंड्रेड मील दूर के रेडियस में भी इस अर्थक्वेक का हम फील कर सकते थे कितना ज्यादा ये अर्थक्वेक कितना इंटेंस था अभी हम देखते हैं टोक्यो एंड योकोहामा में भी अर्थक्वेक आया था जो आया था वन सेप्टेम्बर नाइनटीन में जिसने जो इसका कोर्स था वो था अर्थ के क्रस्ट में फ्रैक्चर हो गया था फ्रैक्चर की वजह से आपका अर्थक्वेक आया था इसने हाफ मिलियन हाउसेस को कलेप्स कर दिया था जो डेथ्स थी वो दो लाख पचास आ, हजार लोगों को इसने मार दिया था उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में 1906 में बहुत भयानक भूकंप आया फिर एक कांसू जगह है चाइना में कांसू के जो रेतीले इलाके हैं कांसू चाइना यहाँ पे भूकंप आया था 1920 में जिसमें इसने दो लाख लोगों की जान ले ली थी ये भूकंप फिर से आया 1927 में तो जो केव ड्वेलर्स थे एक लाख केव ड्वेलर्स जो गुफा में रहने वाले थे उनको एक लाख वो जिंदा दब गए थे गुफा के नीचे इस भूकंप से कहां पे चाइना में अभी हम देखते हैं एगेडर को जिसमें हजार लोगों की जान चली गई थी यहाँ पे इस जगह पे भी भूकंप आया था समटाइम्स आई प्रनाउंस दीज इंग्लिश नेम्स रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर विद देम यू कैन रीच एक्ट दैम बिकॉज अंग्रेजी नाम है कई बार गलती हो जाती है इन्हों कि मैंने वर्कैनिज़म uh, वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें भी आई थिंक देर संडा स्ट्रीट्स उसको भी मैंने uh, कुछ और बोला था सो देर कैन बी मिस्टेक बिकॉज ये अंग्रेजी नाम है हम भारतीय आदमी हैं हमें इतना ज़्यादा इनका कुछ आता नहीं है इनका समझ में नहीं आता है अंग्रेजी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स हम देखते हैं यानी अर्थक्वेक ज्यादा से ज्यादा देखो सत्तर परसेंट जो आपके आ, ये जो है अर्थक्वेक्स है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आ जाती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम फिर भी बता देंगे आपको पैसिफिक ओशन की जो रिंग ऑफ फायर है उसके बारे में जो बीस परसेंट है आपके हिमालयन बेल्ट जो हमारे भारत के सर के ऊपर विराजित है चाइना की बॉर्डर से लगती हुई हिमालयन बेल्ट में बीस दुनिया के बीस परसेंट भूकंप आते हैं तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या होती है सपोज दिस इज योर पैसिफिक ओशन दिस इज योर पैसिफिक ओशन पैसिफिक ओशन में एक बेल्ट है की ज्वालामुखियों की एक बेल्ट है जिसकी शेप है हॉर्स के शू के जैसी हॉर्स शू जैसी उसकी शेप है और यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज रहते हैं भूकंप एक्टिव वॉल्केनोज यानी वो इरक्ट होते रहते हैं वॉल्केनोज तो इधर जो आपकी वॉलकिनोज की रेंज है वॉल्केनो क्या उगलता है आग उगलता है ये बना क्या रहे रिंग बना रहे हैं और कहाँ पे बना रहे हैं पैसिफिक में बना रहे हैं उगलता क्या है आग उगलता है इट इज रिंग ऑफ़ फायर ओके तो ज्वालामुखी यहाँ पे बहुत सारे फटते रहते हैं जिसकी वजह से आपकी जो सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं वो भी यहाँ पे नोट होती हैं दैट्स वाई दिस एरिया इज मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स अदरवाइज बीस परसेंट आपके जो आते हैं वो हिमालयन बेल्ट में आते हैं दस परसेंट आते रहते हैं दुनिया के और हिस्सों में और बाकी हिस्सों में पर जो मेजर पार्ट है आपका वो ये दोनों ही कवर कर लेते हैं ओके सो दैट्स इट फॉर योर वर्ल्ड सॉरी दैट्स इट फॉर योर अर्थ को टॉपिक अभी हम परसों इसका वन शॉट रिविजन करेंगे एंड देन आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट योर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमी हम स्टार्ट करेंगे आई थिंक लाइफ ऑफ स्टार या फिर सोलर सिस्टम से आई विल स्टार्ट वो हम देख लेंगे सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी एस्ट्रोनोमी एंड फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई थिंक विल बिगिन इट फ्रॉम नेक्स्ट वीक एंड डे आफ्टर टमोरो विल डू इट्स वन शॉर्ट रिविजन ओके सो दैट वॉज इट फॉर योर को एक चैप्टर एंड यस वन मोर थिंग मैंने जो आपका डाउट है वो डाउट अलग अलग जगह पर ना आए सो आई प्लान वन थिंग आई गिव यू फोम एक फोम का लिंक मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज इन कमेंट सेक्शन जहाँ पे आप अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हो और जो कमेंट जो डाउट्स फोम के थ्रू आएंगे आई विल मेक सेपरेट वीडियोज और या आई विल कवर डाउट्स इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो सो फोम लिंक यू विल गेट एंड आई सून अपलोड इट्स टाइप नोट्स और क्विक के टाइप नोट्स भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे एक दो दिन में एंड uh, फिर हम इसका वन शॉट करेंगे सो दैट वॉज इट थैंक यू